आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 15 करोड़ डॉलर फराहम करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। एनर्जी सेक्टर के लिए 13 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज मिलेगा। आलमी बैंक पाकिस्तान को 1.5 करोड़ डॉलर बतौर ग्रांट भी फराहम करेगा। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदे खसूसी शकील अहमद, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जिसके लिए IMF के वर्ल्ड बैंक के साथ बातचीत चल रही थी हुकूमत पाकिस्तान की। और जराए का ये कहना है कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 15 करोड़ डॉलर फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की है और 13 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्जा होगा इसमें और तकरीबन 1.5 करोड़ डॉलर जो है वो ग्रांट कंपोनेंट होगा। मनसूबे का मकसद तवानाई शुबे की कारकर्दगी में बेहतरी और तहफ्फुज़ है और इससे सालाना पाकिस्तान के 291.65 अरब रुपये की बचत होगी क्योंकि मनसूबे के तहत कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रिहायशी इमारतों को गैस से बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। तवानाई की बचत करने वाली इमारतों की तामीर की हौसला अफजाई की जाएगी और मनसूबा इब्तदाई तौर पर 10 साल में मुकम्मल होना था लेकिन अब उसमें रिवाइज किया गया है इसको और 5 साल में मुकम्मल होगा। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी कंजर्वेशन अथॉरिटी की इस्तादे कार भी बेहतर बनाई जाएगी इस मनसूबे के तहत। ठीक है शकील, आपका बेहद शुक्रिया।